कोड घातल्यामुळे जादू वाढतं आणि ती चालल्यामुळे जादू वाढते. दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल भटकंती ट्रैवल व्लॉग्स. तो दोस्तों ये जो आपने सुंदर इंट्रो देखा है वो है हरसरगढ़. हरसरगढ़ पुणे जिले के जुन्नर क्षेत्र के कई किलोमीटर से एक है जो मावल क्षेत्र से नानेघाट के माध्यम से कल्याण तक के प्राचीन वाणिज्यिक व्यापार मार्ग की सुरक्षा के लिए बनाया गया था. तो हम सब कलीग इस गढ़ के ट्रैकिंग के लिए निकले थे और बीच में हमने यहाँ परिवार होटल में ब्रेकफास्ट किया जो कि बहुत ही अच्छा था. यह गढ़ जुन्नर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है. गढ़ के नीचे हरसरवाड़ी गांव है और दक्षिण में सह्याद्री की गोद में बनाए गए मानिक डोह डैम की सुंदरता नजरों को अलग ही सुख देती है. यहाँ से ट्रैवलिंग करते समय आपको एक तरफ दिखेगी हरियाली से भरे हुए चट्टानें और दूसरी तरफ सुंदर सा जलाशय. ऐसे मनमोहक दृश्य देखने के बाद गढ़ पे ट्रैकिंग करने की एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है. गढ़ पे चढ़ने के तीन रास्ते हैं, इसमें से दो रास्ते पूर्व से है और तीसरा रास्ता पश्चिम से है. इस फोर्ट की ऊंचाई सी लेवल से 1125 मीटर और जमीन से 400 मीटर है. हरसर गांव से फोर्ट के उत्तर दिशा में खिड़ियाची वाट है और दक्षिण में कठिन घड़ीची वाट है जहां से आप किले पे पहुंच सकते हैं. पर्वतगढ़, अरसरगढ़, हरसूल, मरसल, हरसल और हरसर ये सब इस गढ़ के नाम हैं. यहां से नज़दीक और पर्यटन स्थल है जो कि शिव जन्मस्थान किले शिवनेरी, मानिक डोह धरण और हटकेश्वर मंदिर. यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही सुंदर था, इसलिए ट्रैकिंग करते समय बहुत ही मज़ा आया. ये ट्रैकिंग बहुत ही मॉडरेट है ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है. यहाँ से चलते समय हमें ये दादाजी दिखे जो अपने खेत में काम कर रहे थे. इनको देख के हमारे गाँव की याद आ गई क्योंकि इन दिनों में हमारे गाँव में भी यही काम चलता है. ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ से आपको लेफ्ट और राइट दो दिशा में जाने के लिए रास्ते हैं. वहाँ से आपको लेफ्ट लेना ये याद रखिए क्योंकि राइट में जाने के बाद आपको तकलीफ वाला रास्ता मिल जाएगा. दोस्तों इस किले पे ट्रैकिंग का एक अलग ही मज़ा है. आप लोग सिंहगढ़, लोहगढ़ इस जगह पे जाते हो जो कि बहुत ही फेमस है, लेकिन आप यहाँ पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि इस जगह पे आना एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है.
आपको बीच बीच में ऐसे स्टेप्स दिखेगी जिसका आपको बहुत ही फायदा होगा। इस किले की विशिष्टता प्रवेश द्वार के निर्माण में है। प्रवेश द्वार, पानी के कुंड, किले की सीढ़ियाँ सभी एक ही चट्टान में बनाई गई है। किले के शीर्ष पर महादेव का मंदिर है। मंदिर में गणेश जी, गरुड़ और हनुमान जी के पत्थर में काटकर बनाई हुई मूर्तियां हैं। किले पर एक बड़ी झील भी है। गढ़ के बाले किले की ऊंचाई से आप सिंदोला, हरिचंद्रगढ़, हटकेश्वर डोंगर, शिवनेरी, चावंड, नानेघाट, जीवधन ऐसी बहुत सारी जगहों को देख सकते हैं। दोस्तों, इस जगह पे जाने का डिसीजन हमारा बहुत ही सही डिसीजन रहा है। बहुत सालों पहले कई लोगों को संरक्षण दिए गए इस अश्म दुर्ग को आज जरूरत है उसके संरक्षण की, संवर्धन की। यहाँ की सुंदरता आपके मन को बहुत ही आनंद देगी। बारिश का पानी अंदर नहीं आना चाहिए, इसलिए ये बहुत ही सुंदर और इम्पोर्टेंट ऐसा डिज़ाइन बनाया है, देख लीजिए। दोस्तों, ये है धान्य स्टोर करने की जगह। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग का यूज़ किया है कि यहाँ पे जो बारिश का पानी आता है वो निकालने के लिए ये नाला बनाया गया है जहाँ से पानी डायरेक्टली बाहर आता है। सच में ये सब देखने के बाद उन सभी लोगों को सलाम करने का मन करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आपको ये अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।